फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और हमारे गणपति बप्पा बैठे हैं, तो आज है मूर्ति विसर्जन, तो मैं बनाने जा रही हूँ मोदक। तो चलिए पहले चलते हैं किचन में और देखते हैं मोदक की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैंने ले लिया, मैं फीलिंग तैयार कर रही हूँ, उसके बाद आटा तैयार करूँगी। तो मैंने यहाँ पर नारियल ले लिया है, कस करके कस दिया है, और ये ड्राई फ्रूट्स हैं। ड्राई फ्रूट्स मैंने सारे एक साथ डाल दिए। इसमें मैंने काजू, बादाम और किशमिश डाले, सब कट कर दिया है। किशमिश भी कट की है, उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो वो भी कट कर दिए इसमें। और मेरे पास गुड़ नहीं था, तो मैंने इसमें ले लिया शक्कर, मेरे पास शक्कर पड़ी है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में डाल दिया है घी। और अब मैं कढ़ाई में घी गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ नारियल, कसा हुआ नारियल डाल दूँगी और उसको थोड़ी देर भुनेंगे। अभी मैंने इसमें डाल दिया सारा नारियल। अभी मैंने डाल दिया इसमें शक्कर, शक्कर डाल दिए। अब इसको मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर मैं अब ऐड करने वाली हूँ इसमें ड्राई फ्रूट्स। तो अब ये भून लिया अच्छे से। अब ये हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। अब ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अभी इसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हो चुका है अभी, और अब मैं इसको थोड़ी देर रहने दूंगी और ठंडा हो जाएगा, फिर ठंडा होने के बाद इसको स्टार्ट करेंगे। और अभी दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर चढ़ा दी है पतीली, और पतीली में पानी रख दिया है। और अभी मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, घी भी डाल रही हूँ, थोड़ा सा घी डाल दिया है। और अभी इसमें मैं डाल रही हूँ चावल का आटा। मेजरमेंट मेरा इसी कटोरी का है, और इसमें एक और कटोरी मैं डालने वाली हूँ। और अब इसको मैं करछी से अच्छे से मिक्स कर लूँगी, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और अब मैं इसको कर दिया, और अब मैं इसको बंद कर दिया है, और इसके ऊपर रख देंगे ढक्कन। थोड़ी देर इसको छोड़ देंगे ताकि ये इसी में थोड़ा सा पक जाए स्टीम में। फ्रेंड्स, अभी मैंने यहाँ पर ये निकाल दिया है पतीली से, और अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, मतलब हाथ लगाने में है नहीं अभी हाथ लगाने लायक। तो मैं अभी इसको थोड़ा सा ठंडा करूंगी, एटलीस्ट 50% ठंडा हो जाए, ताकि मैं इसमें इजीली हाथ लगा पाऊँ और उसको अच्छे से इसका डो बना पाऊंगी। तो इसको पहले ठंडा होने देते हैं, उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं बना। दोस्तों, ये हो चुका है, ये 50% ठंडा हो चुका है। तो अभी मैं इसमें घी लगा दूंगी, थोड़ा सा हाथ में घी लगा दिया मैंने, ताकि मैं इसको अच्छे से गूंथूं, ताकि चिपचिपा ना हो हाथ में, ना इस तरह से लेना है। और इसको जैसे हम डो रेडी करते हैं उस तरह से करना है, इस तरह से, ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। लम्स रह जाएंगे तो बनेंगे नहीं ठीक से। और अब हम स्टार्ट करेंगे इसके मोदक बनाना। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने डो भी रेडी कर लिया, ये भी। और अभी मैं क्या करूंगी, थोड़ा डो लूंगी, डो ले लिया है, और मैंने हाथ में घी लगा लिया है इस तरह से, और ये इस तरह से कर लिया। और इसमें हम थोड़ा सा भर देंगे फिलिंग, ये, और अभी इस तरह से इसको बंद कर देंगे। मेरे पास मोल्ड नहीं है, मेरे को मिला नहीं था मोल्ड, तो मैं हाथ से ही बना देती हूँ, अच्छे होते हैं हाथ से बनाने में। थोड़ा सा बराबर कर दीजिए, और ये बन चुके हैं इस तरह से।
से करना है। और इसी तरह से अभी मैं सारे मोदक रेडी कर दूंगी। इस तरह से मैंने सारे मोदक रेडी कर लिए हैं। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है, मेरे पास स्टीमर नहीं है तो मैंने कढ़ाई रख दी है और इसको मैं पानी को पहले अच्छे से बॉईल होने दूंगी। और मैं ये छन्नी रखने वाली हूँ, मेरे पास स्टीमर नहीं है बट मैं इसको पहले ऑयल लगा दूंगी या घी लगा दूंगी। ये अभी बॉईल हो गया है और अभी मैं यहाँ पर रख दूंगी छन्नी इस तरह से। इस तरह से रख दिया, अब मैं इसको ढक लूंगी। तो ये मैंने यहाँ पर ढक दिया है इस तरह से और मैंने गैस कर दिया बिल्कुल सेम। अभी मैं इसका ढक्कन खोलने वाली हूँ। अभी इसको चेक कर लेंगे। तो ये बन चुके हैं और अब मैं इसको आराम से निकाल लूँ। तो फ्रेंड्स मोदक बनके हो गए हैं रेडी, ये देखिए बहुत अच्छे बने हैं। अब लगाएंगे पप्पा को भोग। तो बहुत अच्छे बने और आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। मोदक का व्लॉग इसके लिए मैंने अलग से बनाया था। तो मोदक गणेश जी को बहुत प्रिय है तो इसीलिए मैंने बनाया, और भी दो तीन तरह से बनाए जा सकते हैं मोदक। तो बट ये ट्रेडिशनली जिस तरीके से बनाए जाते हैं चावल के आटे से, उसी तरह से मैंने आपको बताया और उसी तरह से मैं भी बनाती हूँ। तो आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए गणपति बाप्पा मोरिया, बाय।